सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IRR कहते हैं। जैसा मैंने अपने वीडियो में नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अगर आप कहीं पे निवेश करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट में, किसी बिजनेस में, या कोई आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, उसी तरीके से IRR भी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से अगर आप 10 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले में भी आपको दिया था कि अगर आप किसी गाड़ी में 10 लाख रुपए लगाते हैं और आपका लेट्स से रेंटिंग बिजनेस है, कार रेंटिंग बिजनेस है, तो आप 5 साल में लेट्स से किसी साल आपको 1.5 लाख रुपए आ जाते हैं, किसी साल आपको 2.5 लाख रुपए आ जाते हैं, लेट्स से 5 साल बाद आप वो गाड़ी बेच देते हैं तो आपको कुछ पैसा आ जाता है। तो अब इसके रिटर्न्स कितने हुए, अब आप एनुअल रिटर्न्स निकालना चाहते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, वही हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इवेल्युएट करना चाहते हैं, जैसे कोई FD है, मान लीजिए आपकी, अब इंटरेस्ट रेट हर साल हर महीने ऊपर नीचे जाते जाते हैं बैंक्स के, राइट? तो अगर आपकी FD में लेट्स से अलग अलग इनकम आ रही है, या फिर आपके सेविंग की अलग अलग इनकम आ रही है हर महीने, तो आपको नेट नेट कितने रिटर्न्स मिले, उसे भी हम IRR ही कहते हैं। तो अब ये IRR कैलकुलेट कैसे होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, यही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए समझते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर IRR क्या होता है, इसका कंसेप्ट हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक कंपनी है, ये एक प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। लेट्स से ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि इनके रिटर्न्स कितने मिलेंगे इस पैसे के ऊपर, 10 लाख के ऊपर। तो ये जो परसेंटेज रिटर्न्स होंगे, एनुअल रिटर्न्स जो होंगे बेसिकली, तो ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर इनको ये एनुअल रिटर्न्स पता चल जाते हैं इस पैसे पे कितने मिलेंगे, तो वो डिसीजन आसानी से ले पाएंगे कि यहाँ पे ये 10 लाख रुपए लगाने चाहिए या नहीं। सिमिलरली हमने NPV कैलकुलेट करी थी अपने एक वीडियो में, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो भी एक तरीके का मेट्रिक है जिससे हमें पता चलता है कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए किसी प्रोजेक्ट में या किसी इन्वेस्टमेंट में। तो ये जो परसेंटेज एनुअल रिटर्न्स होते हैं, इसी को हम IRR कहते हैं, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो अगर IRR की हम डेफिनेशन बोलें, तो ये एक मेट्रिक है जिससे हम किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी असेस करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। अब प्रोजेक्ट की भी कर सकते हैं, किसी बिजनेस की कर सकते हैं, या किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की भी हम प्रॉफिटेबिलिटी पता लगा सकते हैं। तो अगर टेक्निकल भाषा में बोलें, तो ये एक डिस्काउंट रेट है जिस पे NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जीरो हो जाती है किसी प्रोजेक्ट की। अब इसको मैं एग्जांपल से थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा आपको। डिस्काउंट रेट की हम पहले भी बात कर चुके हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले वीडियो में भी कर चुके हैं, और पहले भी हमने जो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के वीडियोज किए थे उसमें भी हम डिस्काउंट रेट की बात कर चुके हैं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली डिस्काउंट रेट की ही कैलकुलेशन है जिस पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाती है। अब ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम जीरो क्यों लेते हैं, इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। तो इन अदर वर्ड्स, इट इज द एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। तो जहां हमने ये एनुअल रिटर्न्स की जो बात करी है, तो एक तरीके से ये एनुअल रिटर्न्स है, परसेंटेज में जितना आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो कितना जल्दी वापस आ जाएगा, राइट? अब क्योंकि हम यहाँ रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा पैसा कितना जल्दी वापस आ जाएगा, या फिर कितना परसेंट वापस आएगा हर साल, राइट? इसका ये मतलब है। तो चलिए अब इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप आज की डेट में लेट से 10,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, अगले साल लेट से आपको 12,000 रुपए आ जाते हैं उस प्रोजेक्ट से या उस इन्वेस्टमेंट से। तो अब अगर हमें इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर IRR कैलकुलेट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? तो NPV का जो फॉर्मूला होता है, NPV का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले वाले वीडियो में भी, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ जीरो पीरियड, मतलब ये जो पहले वाला हमारा कैश फ्लो है, डिवाइडेड बाई 1+R^0 प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर एंड देन 1+R^1। तो अब क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है, तो यहां पे हम पीरियड 1 ईयर लेंगे, राइट? तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये 2-3 साल 4 साल का होता, तो हम इसको एक्सटेंड करते चले जाते। तो अब अगर हम इस केस में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो NPV हमारी जीरो हो जाएगी। जीरो इज इक्वल टू -10,000, राइट, डिवाइडेड बाई
वन आ जाएगा इस केस में, ये यहां क्योंकि यहां पे ये रेज टू द पावर जीरो है, प्लस फ्यूचर वैल्यू आपकी आ गई 12,000 डिवाइडेड बाई वन प्लस आर रेज टू द पावर, यहां पे वन आ गया राइट. अब अगर हम इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर. तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाई 10,000 हो गया. हम 10,000 को यहां पे ले आए नीचे, ये हमने जीरो काट दी, ये बेसिकली आपका 1.2 हो गया. तो आर इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 0.2 हो गया इज इक्वल टू बेसिकली आपका 20% हो गया. तो इस केस में आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, ये जो हम आर की जो बात कर रहे हैं, यही ये जो IRR है, ये 20% आ गया. अब देखिए यहां पे तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो गई क्योंकि यहां पे एक साल की ही हम बात कर रहे थे. अब मान लीजिए इसको मैं हल्का सा भी कॉम्प्लिकेट करता हूं, 0, 1 और 2 अगर मैं 2 साल में भी इसको कर देता हूं, तो देखिए अब यहां पे क्या होगा, आपकी यहां पे माइनस 10,000 है. अब ये 12,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 सालों में, तो मान लीजिए आपके 6,000 आते हैं पहले साल में और दूसरे साल में आपके 6,000 आते हैं. तो अब देखिए आपकी कैसे कैलकुलेशन होगी, आप बेसिकली 0 इज इक्वल टू माइनस 10,000 करेंगे प्लस 6,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर आप 1 करेंगे प्लस 6,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर आप 2 करेंगे. अब देखिए खाली मैंने 1 साल बढ़ाया है और देखिए कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई सिचुएशन, अब यहां पे आर कैलकुलेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा. तो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं. हिट एंड ट्रायल का मतलब है आप अलग अलग आर की वैल्यू इसके अंदर भरिए और देखिए कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हो जाती है उससे. तो अगर आप ये हिट एंड ट्रायल करेंगे, लेट से आप 10% यूज करेंगे पहले, फिर 11, फिर 12% यूज करेंगे, 13, 14, 15 इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे राइट. तो जिस भी परसेंटेज पे आपका ये बेसिकली ये दोनों वैल्यूज 10,000 के बराबर या उसके आसपास आ जाएंगी, तो उसके आसपास का आपका बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 13% के आसपास आ जाएगा राइट. अब इसके अलावा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और इनफैक्ट जनरली जो हमारी नॉर्मल डे टू डे सिनेरियो होता है उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती हैं. तो जैसा मैंने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू के केस में जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर हम उसी को डिस्कस करते हैं, मान लीजिए कोई कार रेंटिंग कंपनी है जो इवेल्युएट कर रही है एक नया रूट चलाने के लिए. अब नए रूट में वो पता लगाना चाहती है कि एनुअल रिटर्न्स कितने आ जाएंगे, तो IRR वो पता लगाना चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट से रिटर्न्स कितने आएंगे. तो अगर उनके रिटर्न्स एक्सपेक्टेड जितने होंगे उसको मीट कर रहे होंगे या उससे ज्यादा होंगे, तो वो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको टाइमलाइन पे प्लॉट करूं, मान लेते हैं कि 10,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो जीरो डेट पे यहां पे ये देखिए यहां पे 10,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई. फिर लेट से पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल का हम कैश फ्लोज यहां पे देखते हैं. पहले साल में लेट से नेट कैश फ्लो आया 1.5 लाख रुपए सारे खर्चे वगैरह निकाल के. फिर 2,00,000 रुपए आया सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में लेट से 3,00,000 आया, चौथे साल में आपका आया 2.5 लाख, और पांचवें साल में उसने वो गाड़ी बेच दी. एक तो जो उस जो कंपनी अगर है वो जो इवेल्युएट कर रही है वो अगर सोचती है कि हम गाड़ी को बेच देंगे 5 साल बाद, तो 4,00,000 रुपए के आसपास हमारे को पैसा मिल जाएगा और लेट से 2,00,000 रुपए हमें ऑपरेशन से मिल जाएंगे. तो ये जो 4,00,000 है इसको हम कहते हैं टर्मिनल कैश फ्लो, और ये जो 2,00,000 है ये आपके ऑपरेशन से कैश फ्लो आ रहा है. तो टोटल कैश फ्लो जो है आपका वो 6,00,000 रुपए हो गया पांचवें साल में राइट. तो अब इसकी IRR कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे हम, सेम वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, NPV इज इक्वल टू कैश फ्लो 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर 0, फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 यहां पे ये बेसिकली 1.5 लाख हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर 1. इस तरीके से आप बेसिकली 5 साल के लिए इसको प्लॉट कर देंगे तो NPV इस केस में 0 हो जाएगी. अब देखिए आप ये सारी की सारी फिगर्स डालेंगे तो आप इस तरीके से ही आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी. अब देखिए यहाँ पे R की वैल्यू निकालना आपके लिए कितना मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो चुकी है. तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर गूगल स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं और उसमें विद इन सेकेंड्स आपको ये वैल्यू पता चल जाती है. तो हम क्विकली ये एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों एग्जांपल्स ले लिए हैं. पहले एग्जांपल में हमने ये जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और फिर हमारा पहले साल में 6,000 रुपये आए और दूसरे साल में 6,000 रुपये आए, और दूसरे एग्जांपल में हम कैलकुलेट करेंगे IRR जो हमारा गाड़ी वाला प्रोजेक्ट है उसका. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ईयर्स प्लॉट कर देने हैं. यहाँ पे हमने ईयर 0 से लेके 5 तक कर दिया है. अगर हमारा मैक्सिमम 5 साल का कोई प्रोजेक्ट है तो हम 5 साल डाल देंगे, अगर आपका कोई लंबे टाइम का पीरियड है तो वो वाले आप उस टाइम तक एक्सटेंड कर देंगे इसको.
फिर आपको हर साल के नेट कैश फ्लोज लेने हैं, मतलब ऑपरेशंस के खर्चे वगैरह निकाल के जितना पैसा बचता है आपको, वो आपको यहाँ पे डालनी है फिगर्स। तो पहले देखिए, जीरो ईयर में हमने सबसे पहले यहाँ पे 10,000 रुपये डाले, तो इसीलिए यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। फिर ईयर वन में आपको पैसा आ रहा है और ईयर टू में पैसा आ रहा है, तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, IRR कैलकुलेट करने के लिए आप इज इक्वल टू IRR दबाएंगे। IRR का सीधा सीधा फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर या फिर गूगल स्प्रेडशीट के अंदर। ब्रैकेट आप ओपन करेंगे और सारी वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके नेट कैश फ्लोज हैं जहाँ तक भी एक्सटेंड हो रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप एंटर कर देंगे। देखिए आपके एनुअलाइज रिटर्न्स निकल के आ गए, इतना आसान है ये, विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट हो जाता है। तो अब जो मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में कहा था आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, तो हिट एंड ट्रायल से भी आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, राइट। अब उसमें मैंने आपको बताया भी था कि 13% के आसपास आपका अगर आर की वैल्यू उसमें डालेंगे तो वो लगभग आपकी 10,000 की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप ईयर वन और ईयर टू की कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है जी, तो ये तो इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। अब हमें सिमिलरली कार वाले प्रोजेक्ट में करना है IRR कैलकुलेट, तो यहाँ पे भी आप नेट कैश फ्लोज डालेंगे, 10,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है तो ये नेगेटिव में आ गया, ब्रैकेट का मतलब भी नेगेटिव ही होता है, राइट। फिर 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, फिर 6 लाख रुपये की ये हमारे कैश फ्लोज हैं नेट। पांचवें साल में हमने 4 लाख की गाड़ी बेची, 2 लाख हमारे ऑपरेशंस कैश फ्लो से आए, तो टोटल 6 लाख के नेट कैश फ्लोज हैं यहाँ पे। तो IRR आप कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू IRR दबाएंगे और अपने सारे सेल सेलेक्ट कर लेंगे नेट कैश फ्लोज के और एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे 12.2% के रिटर्न्स आ गए हैं। तो अब जब आपको इवेल्यूएट करना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो अब मैनेजमेंट ये देखेगी कि हमारे रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, राइट। तो अगर ये रिटर्न्स मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो अगर मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। मान लीजिए अगर मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन 12% की है तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन हो सकता है मैनेजमेंट ये सोचे कि नहीं हमें तो 15% के रिटर्न्स चाहिए वरना हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो 15% से ये डेफिनेटली कम हो जाता है। तो उस केस में मैनेजमेंट कहेगी हम इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं डालेंगे, इसकी बजाय या तो हम किसी दूसरे रूट पे गाड़ी चलाएंगे या फिर हम ये 10 लाख रुपये कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी ले सकते हैं, आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि मेरे को किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना है नहीं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी हो सकता है, चाहे FD भी हो सकती है या फिर कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर आपका कोई आप नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, कोई नए बिजनेस में पैसा डालना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो हर चीज़ में आप IRR कैलकुलेट कर सकते हैं और NPV कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि NPV पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। अगर NPV पॉजिटिव है, जितने भी आप डिस्काउंट रेट पे वो NPV कैलकुलेट करते हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने अगर मेरा NPV वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। NPV और IRR का अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आप लगाते हैं तो आपको डिसीजन लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे एक्चुअली इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मज़ा आया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, या आप अपना और भी कोई विचार शेयर करना चाहते हैं कम्युनिटी के साथ, तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फ़ोन में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं हर रोज इस तरीके के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।